सिवनी जिले में जो हमारे ग्रास रूट पे काम करने वाले दो डिपार्टमेंट है उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग। महिला बाल विकास के जो हमारे सबसे निचले लेवल पे जो काम करने वाले हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, और उनके साथ में हमारी ANM और आशा, इन चारों लोगों ने ग्राम पंचायत के अमले के साथ में मिलकर डोर टू डोर सर्वे किया है, प्रत्येक गांव में मास्क के वितरण का काम किया है, ड्यूटी टाइम जब उनका खत्म हुआ तो उन्होंने स्वयं ने जिनको सिलाई आती थी उनको मास्क बनाने का काम भी किया है, जितने भी उनके हितग्राही है, क्योंकि कुपोषण भी अपने आप में बहुत बड़ी जंग है, तो कुपोषण लड़ने के लिए अपने सारे हितग्राहियों को इन्होंने घर घर जाकर जो उनका पोषण आहार है, जो उनका सुगंधित दूध है, वो सारा वितरण किया है, ताकि इस कोरोना की लड़ाई में ऐसा ना हो कि हम कोरोना से जीत जाए लेकिन कुपोषण से हार जाए, तो वो भी उन्होंने मेंटेन किया है कि सोशल डिस्टेंस भी बनी रहे और बच्चों को और धात्री माताओं को जो शासन की तरफ से पोषण आहार मिलना चाहिए वो भी उन्हें मिले। साथ ही साथ मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि मेरे जिले के इन्हीं ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स ने काम करते हुए लगभग जिले के 13.5 लाख परिवारों का घर घर जाके सर्वे किया है और उसमें से हर एक उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन किया है, पहचान की है, जिसको सर्दी खांसी या जुकाम हो, ऐसे लगभग 5,500 केसेस भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उन लोगों को ट्रीटमेंट भी दिया गया, तो जिससे एक तरह से हमें ये कॉन्फिडेंस भी आया कि हमने नीचे के लेवल जाके भी पता भी कर लिया कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम कितने लोगों में डेवलप हो रहे हैं और हम इससे एक तरह से एडवांस में तैयारी करने की स्थिति में आगे किस घर में क्या चल रहा है और कहाँ किस घर पे हमें मॉनिटरिंग ज़्यादा रखनी है। तो निश्चित रूप से मैं इस चीज़ के लिए महिला बाल विकास के सभी अधिकारियों को और सबसे ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को इस काम के लिए बधाई देता हूँ और उनसे उम्मीद करूँगा आगे की कि वो जो ये दोहरी लड़ाई है कुपोषण से भी और कोरोना से भी, इसमें जिला प्रशासन का साथ देंगी और इसी मन और इसी ऊर्जा के साथ आगे काम करेगी। धन्यवाद।